सहारनपुर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम विभिन्न देशों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें बजरंग दल के बलोपासान प्रमुख कपिल मोहड़ा ने बताया कि दशकों से बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जिहादियों द्वारा हिंदुओं के उत्पीड़न करने की एक तरफ से परंपरा से चली आ रही है। वहीं बीते दिनों तालिबान के आतंक के बल पर अफगानिस्तान की सत्ता कब्जाने के साथ ही मुस्लिम देशों में हिंदुओं की संपत्ति, बहनों बेटियों सहित आशा केंद्रों को निरंतर निशाने बनाते हुए बांग्लादेश में हजारों जिहादियों द्वारा हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार, मंदिर पर हमले, मूर्तियों को तोड़ना, वैश्विक सेवा संगठन इस्कॉन के सेवा केंद्र को विहसन जैसी घटनाएं की है, जिसको लेकर आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपा। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, भारत देश, हिंदू समाज उनके साथ है। बांग्लादेश के अंदर वहाँ के मुस्लिम लोगों के द्वारा हिंदू मंदिर और हिंदू समाज के लोगों के ऊपर उनको वहाँ से एक तालिबान सोच के आधार पर और वहाँ से जो पलायन का मामला चला हुआ है, जिसके लिए आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए थे, और बजरंग दल इस प्रकार की घटनाओं के सख्त विरोध में है और वहाँ के लोगों को आश्वस्त करता है कि पूरे विश्व का हिंदू समाज आपके साथ है, किसी प्रकार की कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के नाम ये ज्ञापन देने के लिए आए थे ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगे और हिंदू समाज का मान सम्मान बरकरार रहे।